हेलो दोस्तों, आपका फिर स्वागत है मेरे चैनल घरेलू सामान में। अगर आपने भी इस गोवर्धन के पनीर को ऑनलाइन या ऑफलाइन स्टोर्स में बिकते हुए देखा है और आप जानना चाहते हैं किस तरीके की इसकी क्वालिटी रहती है, तो इस वीडियो में टेस्ट करके देखेंगे। टाइम वेस्ट के बगैर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मगर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस वीडियो को बनाने से पहले मैं कुछ और ब्रांड्स के भी जो है पनीर को टेस्ट कर चुका हूं, उसका सबका लिंक जो है मैं आपको वीडियो के एंड में दे दूंगा, आप उन वीडियो को भी जरूर देखिएगा। तो जल्दी से बात करते हैं इस वाले पनीर के लिए। तो गोवर्धन का ये जो पनीर है आप देख सकते हैं इसकी प्राइसिंग वगैरह, फर्स्ट यहाँ पे फ्रंट साइड पे बता रखी है 120 रुपीज। ये पैक जो है ये है 200 ग्राम का, नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे, और इसको जो है यहाँ पे डिटेल्स बता रखी है सबसे पहले कि ये जो है मेड फ्रॉम मिल्क काउ है। ज्यादातर मैंने बाकी जितने भी पनीर के पैकेट देख रखे हैं उनमें नहीं लिखा होता है कि वो जो मिल्क है वो किस जानवर का है, किस एनिमल से लिया गया है। वो बफेलो भी हो सकती है, गाय भी हो सकती है, कुछ कोई और जानवर भी हो सकता है, सबका मिक्स करके भी बना सकते हैं। मगर पर्टिकुलर मैं इसी ब्रांड में देख रहा हूँ कि यहाँ पे क्लियरली बता रखा है कि इसमें जो दूध यूज किया गया है वो काउ मिल्क का है। न्यूट्रिशनल वैल्यू वगैरह बता रखी है, वो आप अगर पढ़ना चाहें कुछ स्पेसिफिकली तो पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे अगेन बता रखा है इसका इंग्रेडिएंट है पेस्चराइज्ड काउ मिल्क और उसमें विनेगर यूज कर रखा है इसे फाड़ के बनाने के लिए। बाकी जो है यहाँ पे बता रखा है कि अगर आप एक बार इसे जो है आप स्टोर करें तो 4 डिग्री से जो है आपने इसको नीचे ही आपने इसे स्टोर करना है, और अगर आप एक बार इस पैकेट को कट करेंगे तो आपने विदिन 2 डेज जो है पूरा इसके अंदर का पनीर जो है कंज्यूम कर लेना है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं तो ये पराग मिल्क फूड्स इसे बना रही है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है पुणे साइड में। इसकी मार्केटिंग भी जो है पराग मिल्क फूड्स की तरफ से होती है। अब जल्दी से पैकेट को कट करके देख लेते हैं। कट करने से पहले ही मेरे को जो है ये पनीर काफी सॉफ्ट लग रहा है दबाने में, यहाँ से अगर आप देखें तो बहुत इजीली दब जा रहा है। जल्दी से कट कर लेते हैं। कट करके मैं डालने वाला हूँ इसे सादे नॉर्मल पानी में ताकि इसका जो विनेगर का जो खट्टापन होता है वो निकल जाए। तो आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा जब भी आप पनीर को किसी पैकेट वाले को कंज्यूम करें तो उसे हमेशा जो है थोड़ी देर पानी में डुबा के रखें, कम से कम 10 मिनट, ताकि उसका खट्टापन जो बाहर की स्किन में जो लगा होता है प्रिजर्व करने के लिए भी इन्होंने विनेगर जो डाला होता है वो जो है खट्टापन इसका चला जाए। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से इसकी ये जो है क्वालिटी है। खोलते समय देखिए कैसे टूट टूट के ऐसे दानेदार निकल रहा है, इसी से मेरे को पता लग रहा है इसकी क्वालिटी जो है मेरे को देखने में बेहतरीन लग रही है। पानी देख सकते हैं, यही मैं वेनेगर का खट्टा बन कह रहा हूँ जिसकी वजह से ये प्रिजर्व भी होता है। अब इसको ताजे पानी में जो है पहले इस तरीके से छोड़ देंगे और उसको 10 मिनट के बाद जो है मैं टेस्ट करके दिखाऊंगा आपको। अब 10 मिनट हो चुके हैं, जल्दी से इसको जो है थोड़ा सा पीस में साइड से कट करके देखूंगा और टेस्ट करके बताऊंगा कि इसका जो है टेस्ट किस तरीके का आ रहा है। टेस्ट करके मैंने देख लिया है, फाइनल बोलने से पहले एक बार थोड़ा सा और टेस्ट करके ही बोलूंगा आपको। तो पनीर का जो टेस्ट है वो है बेहतरीन, बिल्कुल जितना रियल जो मैंने खुद भी फाड़ के दूध से ताजे गाय का दूध का निकाला है उसके बिल्कुल करीब है, अच्छा है। आपको बिल्कुल रिकमेंड करूंगा, आप ले सकते हैं और कोई भी मेरे को इसमें प्रॉब्लम नहीं लग रही है। आज के वीडियो में इतना ही, अगर आपके फिर भी कोई डाउट है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।